हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अहाना एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और समझदार लड़की थी। वो एक बिजनेस वुमन थी। बहुत सारे उसके दोस्त थे, लेकिन अनीश नाम का एक बड़ी उम्र का आदमी उसका सबसे करीबी दोस्त था, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और दूसरा कि वो अहाना को एक से एक अच्छी एडवाइस दिया करता था। ऐसे ही एक दिन अहाना किसी परेशानी में थी और वो अनीश से पूछती है, सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो ना अहाना, क्या बात है? सर इस बार जिस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। एक बात कहूँ? जी कहिए ना। जिंदगी में आप कितनी ही बार क्यों ना हारे, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप तो जीतने के लिए पैदा हुए हैं ना। वाह क्या बात है। तो बस यही सोचकर अपने प्रोजेक्ट पर शुरू हो जाओ और देखना, जीत सिर्फ तुम्हारी होगी। थैंक यू सर, आपसे बात करके हमेशा एक अलग सी पॉजिटिव फीलिंग आती है। आप हमेशा ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। जरूर, बाकी अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। इसके बाद अहाना वहाँ से चली जाती है और अपने प्रोजेक्ट में इंडल्ज हो जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है। अहाना बहुत ही तेजी से उन बुलंदियों को हासिल कर लेती है और बहुत ही जल्द वो एक टॉप बिजनेस वुमन बन जाती है और हर न्यूज़पेपर और मैगजीन में कवर पेज पर वो आ जाती है। ऐसे ही एक दिन उसे एक अवार्ड फंक्शन में बुलाया जाता है, जहां उसे बेस्ट बिजनेस वुमन का अवार्ड दिया जाता है। फंक्शन खत्म होने के बाद अनीश उसके पास आकर उससे कहता है, कांग्रेचुलेशंस अहाना, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, ये आपकी वजह से ही हुआ है आज। अरे नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, जो सारी मेहनत है वो तो तुम्हारी ही है। आप कितने ग्रेट हैं, इतना सब कुछ किया है आपने, तो क्रेडिट तो आपको मिलना ही चाहिए। आई विश कि मैं आपकी तरह बन पाऊँ। नहीं अहाना, तुम्हें मेरी तरह बनने की कोई जरूरत नहीं। वो क्यों सर? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे जैसे बनोगी तो तुम खुद को खो दोगी, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि तुम किसी और की तरह बनने के लिए खुद की पहचान ही खो दो। आप यूँ ही चिंता कर रहे हैं सर, ना मैं अपने आप को बदलूंगी और ना ही आपको खोने दूंगी। आई लाइक योर स्पिरिट अहाना। थैंक यू सर। इसके बाद अनीश वहाँ से चला जाता है। अहाना भी अपने कामों में लग जाती है। कुछ दिन यूँ ही बीत जाते हैं और अहाना अपना खुद का एक बहुत ही बड़ा अंपायर खड़ा कर देती है। इसमें अनीश उसकी पूरी मदद करता है, पर कुछ ही दिन से ना तो अनीश का कोई फोन आया था और ना ही वो उससे मिलने आया था। ऐसे में अहाना को उसकी बहुत चिंता होने लगती है और एक दिन वो अपने ऑफिस में बैठकर सोचती है, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सर मुझसे मिलने ना आए हो, इतने दिन उन्होंने मुझसे बात ना की हो। लगता है वो किसी मुसीबत में है, मुझे उनके घर जाकर एक बार देख लेना चाहिए। इसके बाद अहाना अनीश के घर उसे देखने के लिए जाती है तो दरवाजा उसका बेटा आयान खोलता है और जैसे ही वो अहाना को देखता है तो उसकी खूबसूरती में खो जाता है। ऐसे में वो उससे कुछ पूछ भी नहीं पाता और अहाना उससे बोलती है, एक्सक्यूज मी अनीश जी, यही रहते हैं ना? जी वो यही रहते हैं, आप कौन? जी मेरा नाम अहाना है, मुझे आपके फादर से मिलना है। आप कहीं वही अहाना तो नहीं है जिन्होंने हाल ही में एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट में सक्सेस हासिल की है? जी हाँ मैं वही हूँ, और इसका सारा क्रेडिट आपके पापा को ही जाता है। रियली? उन्होंने क्या किया? जी आप पहले मुझे अंदर तो आने दीजिए, फिर सब कुछ बताती हूँ। ओह सो सॉरी, आइए प्लीज। आयान अहाना को घर के अंदर ले जाता है और उसे चाय नाश्ता करवाने के बाद उससे पूछता है, वैसे आप पापा को इतने अच्छे से जानती हैं, पर आज से पहले कभी आप उनसे मिलने घर पर नहीं आई? एक्चुअली टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन आज बहुत जरूरी था इसलिए आना ही पड़ा। सब ठीक है ना? जी मेरी लाइफ में तो सब ठीक है, पर सर नहीं आए काफी दिनों से, इसलिए मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर उनसे मिल लूं। ठीक किया ना मैंने? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने जो यहाँ उनसे मिलने आ गई। अब आप ही उन्हें समझाइएगा, मेरी तो सुनते ही नहीं है। क्यों क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? उन्होंने बताया नहीं आपको? क्या नहीं बताया, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मतलब
उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया? पता नहीं आपको बताना ठीक रहेगा या नहीं। आप बता दीजिए, जो भी है अच्छा है या बुरा मैं खुद डिसाइड कर लूंगी। ओके, तो बात ये है कि पापा को जी पापा को पापा को कैंसर है, लास्ट स्टेज। क्या? लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक दिखते हैं, हमेशा हंसते मुस्कुराते हैं, उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया। पापा की यही तो खासियत है, वो अपनी मुसीबत को भी इतना लाइटली लेते हैं कि उन्हें देखकर कोई ये जान नहीं पाता कि उनके अंदर क्या चल रहा है। सही कहा आपने, वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? जी जरूर, और उन्हें थोड़ा डांट भी देना। जी ठीक है, अच्छे से क्लास लगाऊंगी उनकी। इस सब के बाद आयान अहाना को अनीश के कमरे में ले जाता है। अहाना अनीश को जैसे ही देखती है उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अनीश की हालत देखकर अहाना खुद को संभाल नहीं पाती और फिर आयान उससे कहता है, कोई बात नहीं, अगर आप पापा से नहीं मिल सकती तो। जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक बार उनको ऐसे देखकर कुछ अच्छे लम्हे याद आ गए जब वो कितने एनर्जेटिक थे, और आज देखो। कोई बात नहीं, अब चलिए मेरे साथ। इस सब के बाद वो दोनों कमरे में जाते हैं, जहां अनीश अहाना को देखकर बहुत खुश होता है। वो उठकर बैठने लगता है लेकिन अहाना उसे उठने से मना कर देती है और फिर उससे कहती है, खबरदार अगर आप उठे तो। वो क्यों भला? क्योंकि मैं कह रही हूँ इसीलिए। अच्छा ठीक है, नहीं जाऊँगा कहीं भी, ठीक है। बेटर, मैंने सुना है कि आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर नहीं ले रहे। अरे लेता तो हूँ, ये जरूर इसने कहा होगा तुमसे। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें कि घर की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करते। इन्हें कुछ मत कहिए आप, और मैं कब से बाहर वाली हो गई? इतना ही लगाव था आपको मेरे साथ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है आपके कहने का मतलब? हाँ बताइए जरा, कुछ अलग है? माफ कर दो मुझे, अब कभी नहीं कहूँगा। जी नहीं, मैं नाराज हूँ। चलो बताओ मैं क्या करूँ। एक वादा कीजिए कि आप अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेंगे और अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अरे ठीक है, अच्छा और बताओ। मैं अभी भी नाराज हूँ। अब मान भी जाओ ना। ठीक है, आप कहते हैं तो कुछ नहीं कहती इन्हें। अनीश अहाना और आयान को एक साथ देखकर बहुत खुश होता है और फिर सोचता है, कितने अच्छे लग रहे हैं ये दोनों एक साथ। अगर अहाना हमेशा के लिए इस घर में आ जाए तो कितना अच्छा होगा। इससे अच्छी लड़की मेरे बेटे के लिए और कोई हो ही नहीं सकती। जी कहाँ खो गए? अरे कहीं नहीं, बस यूं ही। मुझे नहीं बताएंगे अब आप? अगर बता दूंगा तो क्या मेरी बात मानोगी? आप कहकर तो देखिए एक बार सर। अहाना तुम मेरी बहू बन जाओ और इस घर को संभाल लो। ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो तुमने कहा था कि एक बार कहकर देखिए। हाँ कहा तो है लेकिन। मेरी आखिरी इच्छा समझकर ही मान जाओ। कैसी बात कर रहे हैं सर? ठीक है, मैं आपकी ये बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं आयान से शादी करूँगी। थैंक यू सो मच। इस सब के बाद अनीश अहाना और आयान की बहुत ही धूमधाम से शादी करवा देता है, और शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसका समय पूरा हो जाता है और वो भी चैन की नींद हमेशा के लिए सो जाता है। आयान अहाना का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है, उसे बेहद प्यार भी देता है, तो वहीं अहाना भी एक पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाती है और दोनों खुशी खुशी अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।